फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं फोन फिक हैदराबाद की पूरी टीम यहां पे है और हमारा ये जो बैच है 11 अगस्त का बैच है हमारा। 11 अगस्त का जो बैच है आज हमारा लास्ट डे है, फेयरवेल है और 20 दिन से सब लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और आज जो है इनका सर्टिफिकेशन डे है। मतलब ये जो दिन है आज का बहुत बड़ा दिन है ना भाई हमारे लिए, क्योंकि हम जो पहले से काम कर रहे थे वो बिजनेस में और हम पैसे कमाने वाले हैं जाके, मतलब कुछ नया सीखे। मतलब जिस दिन भी कुछ नया सीखते हैं तो वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि पुराने दिन से अभी हमारे पास कुछ नया एक्सपीरियंस आता है हमारे पास, तो हमारा उसमें फायदा होता है कि नुकसान होता है? बाकी एक अल्फाज में बताओ, 20 दिन कैसे रहे? अच्छे रहे? कोई रहने खाने की दिक्कत तो नहीं हुई? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सोच के आए थे मिला कि नहीं मिला भाई? मिला। कितने सरप्राइजेस मिले आपको ये बैच में? काफी सारे नए जनों से मिलने का मौका मिला आप लोगों को और इवेंट भी था, कल हम इवेंट में भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको। ठीक है, तो अभी पहले से जो काम कर रहे थे अब जाकर के उससे अच्छा काम कर सकते हैं? कर सकते हैं ना भाई। चलो सबसे पहले केक कट कर लेते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट देंगे अपन। ठीक है, तो आप लोग ही लो छुरी और फटाफट काटो और एक दो लोग खा लो, फिर बैठ के खाएंगे पूरे। ठीक है? नहीं, आप लोग आप लोगों का डे आज, आज स्टूडेंट का डे है, काटो। चलो भाई पकड़ो, पकड़ो, चार पांच लोग मिल गए या तुम खाली क्लिक करते जाओ, तुम क्यों रुक गए? ऐसा बड़ा वाला निकालो। नहीं नहीं मैं आप लोगों को खिलाता हूँ। सुनो, ऐसा पूरा खिलाया तो हम लोग ही खत्म कर देते। सुनो मेरे, पूरा हम ही खा लेते फिर तुम लोग नहीं बता रहे। एक दो जानी खिला बोलो। सुनो ना, सुनो, 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 आप लोग खाओ फिर अपन खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि दूसरा काम छोड़ के आना चाह रहे हैं। 10-20 साल देखा मैं, साल महीने के 10,000-12,000 रुपए बड़ी मुश्किल से कमा लेते, समझ? तो ऐसे बंदे भी आगे कर सकते ना काम, ये क्या वो लोग हर एक को आगे आने का चांस मिलना चाहिए। तो वो लोग आगे कब आएंगे? जब उनको कोई सपोर्ट करेंगे, कोई काम सिखाएंगे, तभी तो आएंगे ना। अब आपके आपके दुकान में भी बहुत सारे लोग आएंगे, समझ रहे? काम सिखाने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए आएंगे अगर हम हेल्प नहीं करेंगे। जैसा हम भी थे, अगर हमारे कोई अगर कुछ काम नहीं सिखाते कोई, तो फिर अपन कहाँ जाते? तो अपने से जो हो सकता दूसरों के लिए क्या करना रहता, कर देने का रहता। कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं। आपके नसीब का, आपकी किस्मत का, आपकी मेहनत का कोई खींच के नहीं लेके जा सकता। कितना भी अच्छा रहने दो। अभी हम देखे वहाँ पे दो लोग लड़ लिए गए थे, अभी मालूम हुआ कहाँ पे इवेंट। तो लड़ने का क्या है भाई? तो हम मार्केट में इतने सारे दुकान रहते हैं, 100-200 दुकानें रहते हैं हमारे मार्केट में, जहाँ भी आप लोग काम करते हैं। कस्टमर आपके पास कब आता? जब आप अच्छी सर्विस देते देते ना भाई, अच्छी सर्विस देते, अच्छा बात करते, उससे अच्छा रिस्पांस देते और टाइम पे उसको बना के देते। मोबाइल लेके 2-2 महीने रख लेते, 4-4 साल भी रखते हुए देखा मैं लोगों को, मोबाइल रख लेते देते ही नहीं। कस्टमर फोन कर करके थक जाता, उसके बाद अब 2-2 साल तक भी रहता मोबाइल, और उनको मालूम भी है उसको देना है बोल के। अब उन्हें भी क्या है, बंदा छोड़ के रहता आज नहीं कल बना के देते बोल के। बात कस्टमर क्या, ज्यादा पैसे लगते तो क्या करते, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले चलाने आते आपके पास, आप जाके सर्विस सेंटर से मालूम करके भी आते। 8,000 का 7,000 का डिस्प्ले है बोले तो वो क्या करता उन्हें, ठीक है बोलता हूँ बोल के आपके पास ही पड़ा रहता फोन। हुआ होगा आपके पास भी ऐसा? होता है कि नहीं? आईसी डालना रहता, कभी अपने पास आईसी नहीं मिलती, कभी अपन फिराते कस्टमर को, आईसी नहीं है, आईसी नहीं है, आईसी नहीं है मार्केट में बोल के।
तो अभी तो मार्केट में भाई स्क्रैप बोर्ड वाले भैया भी इतने सारे भाई है स्क्रैप बोर्ड वाले, और आईसी बेचने वालों का कारोबार थोड़ा नीचे हो गया। वो लोग बोल रहे हैं हम आईसी नहीं बेच रहे, आईसी बेचने वाले स्क्रैप बेच रहे हैं अभी, मालूम आपको? क्योंकि आईसी 10,000 के खरीदते तो इतने इतने छोटे कवर में आते थे, पहले 10,000 का स्क्रैप खरीद लेंगे तो ये सारी चीज सब जनों को नहीं मालूम रहती। लोग आईसी के पीछे रहते, किसी को तो डालने भी नहीं आता। सब लोग डाल सकते ना भाई आईसी, ऐसा कोई तो नहीं है यहाँ पे सीपीयू डालने डर लग रहा, ईएमसी लगाने, ब्लैक पेस्टेड खोल लेते, व्हाइट पेस्टेड, ऑन फोन पे काम करने डर तो नहीं लगता? नहीं, कुरियर करते सागर सर बना के दो बोल, सब बना सकते ना। अच्छा, अगर अभी 20 दिन हुए, मैं 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, 2 महीने बाद कैसा हो जाएगा हैंड स्किल आपका? होता कि नहीं? मार्केट में सब लोगों का काम करना है। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ आपको लिख के रखना है, रख लो, आप पहले जो लेवल पे थे, जब आपका काम मार्केट में लोग देखेंगे तो आपको ऑफर देके बुला लेंगे वो लोग, हमारे साथ 50-50 में काम करो, समझ रहे? 101% बोल रहा हूँ मैं आपको। 2-3 महीने बाद देखना आप लोग, कस्टमर अभी कितना वॉकिंग है देख लो, दिन भर में कितने मोबाइल आपके पास आ रहे हैं लिख के रख लो, और 2 महीने के बाद में देख लो आप, क्योंकि 2 महीने में जो आप काम करके लोगों को देंगे ना, ऐसा काम करने वाले आप लोग अभी जो मार्केट में कोई भी नहीं करेंगे। फोन घूम रहा है खाली, कोई भी नहीं बना रहे, तो वो अगर आप बना दिए ऐसा, तो सोचो वो कस्टमर आपका हो गया कि नहीं हो गया? पूरे फैमिली को लेके आता भाई, गारंटेड बोल रहा हूँ मैं, उसके पूरे फैमिली को आपके पास ही भेजता, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सर्टिफिकेट सेरेमनी। सबसे पहले है मोहम्मद मेहताब के लिए जोरदार क्लैप। हेलो, सफर बताओ, और कहां से तुम कब से काम कर रहे थे, क्या है थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आप देखने वाले सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आके काम सीखना चाहते हैं या एक काम करना चाहते, क्या बोलना चाहिए? मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद, वहां पे 2 साल से काम कर रहा था, बस सीख ही रहा था, और यहां आने के बाद डुअल टेकर और पेस्टेड सब निकालना सीखा, और ट्रेसिंग और बोर्नियो को भी चलाना जाना, बोर्नियो पहले से भी था पर काम नहीं कर पाता था, हार्डवेयर सिस्टम से काम करता था, जो आता था वो था ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद सर ने, प्रोफेसर ने बताया मोनियो किस तरीके से रीड करना, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे, कौन ओपन होता है, कौन पार्लर होता है, मतलब क्लियर बताया कि कौन शॉर्टिंग होता है, निकालने के बाद लगाना है या वैसे छोड़ देना है उसको, सब सर ने बताया। और फिर सागर सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि हार्ड सर ने तो मोनियो समझाया, पर हार्डवेयर समझाने के लिए सर ने, सागर सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, इन्होंने सिर्फ पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा दिया, पर हार्डवेयर करके सर प्रैक्टिकल सर करके दिखाया एक नंबर का, जो कोई जवाब नहीं इनका। कितने बराबर लेकर बना लिए अभी तक? अभी तक जितना छुआ सब रेडी हुआ सर, पूरे बना लिए। अभी पहले में हमें कितना डिफरेंस आ गया? हाँ सर, इसमें बहुत अच्छा डिफरेंस है, पहले से अभी अच्छा काम कर सकते हैं ना? जी सर, डबल सेगर में बढ़िया काम कर सकता हूँ। तो पहले आप डायग्राम तो था, लेकिन उसमें हार्डवेयर सोल्यूशन वगैरह देखते थे? जी सर। अब एक एक ऐसा तो नहीं लगा आपको कि हम कुछ छुपा ले रहे हैं, कुछ दे रहे नहीं, ऐसा नहीं? ऐसा कोई बिहेवियर ही नहीं रहा, जो पूछो बड़ा के सामने पूछते थे, डबल डबल बार ट्रिपल बार पूछते थे, बताते थे, हर कोई भी सेट आता था उसके बारे में पूरा पूछते थे, ध्यान देते थे अगले को बताने के लिए, क्या तुम्हें समझ में आया ऐसा बोल के। और आप लोगों के सबके पास और क्या ऑप्शन है यहाँ से जाने के बाद? 2 महीना सब्सक्रिप्शन है और सपोर्ट लाइफ टाइम, ऑनलाइन का भी आपको कोर्स दिए, लाइफ टाइम सपोर्ट दिए, और दोबारा आने का भी है, कभी भी आना है तो आ सकते ना, ये हाँ, तो आपका इंस्टीट्यूट है। अगर आपको वीक लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो सर को कॉल करिए, सर बताएंगे कौन से महीने में आना है, आप आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सेट लाए थे रिपेयर करने के? जी सर, सेट लाए थे। हार्डवेयर में कुछ बनाए? हाँ सर, 2 सेट बनाए, 3 अभी चल रहा है। अच्छा, और है वाकई के। तो देखो, अपन यहाँ पे जो आते भाई ट्रेनिंग लेने के लिए आते, जब चीज़ बनती गई थी समझने के लिए आते। जी सर। अगर हम दुकान में भी बैठ के क्या कर रहे थे, अपन डेड फोन लेके घस रहे थे, यहाँ पे भी अगर वही घस लेते बैठेंगे तो जो चीज़ मिलनी है वो वाली चीज़ निकल जाती। जी। तो अभी आपको समझ में आएगा कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, कितना वैल्यू आनी चाहिए। कनेक्टर है 50 पिन का, तो उसमें से लाइट के, डिस्प्ले के, टच के सप्लाई पहचान सकते? जी सर, जी सर। सारा का सारा? जी सर। कोई भी मॉडल आए तो बना सकते हैं ना अभी? बिल्कुल सर, उसको बोनी में देख के पूरा सप्लाई ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी पूरा ऑल ओवर कैसा रहा एक्सपीरियंस 20 दिन का? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा रहा, कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल आ सकता है भाई। यूपी से? कहाँ से आप? यूपी से, इलाहाबाद। यूपी इलाहाबाद से, ठीक है। एक बार इनके लिए 2000 क्लास में ये किसका है? फाइन फन क्लास करो हिंदी में।
थोड़ा प्लेस देना आने के लिए उसको। फहीम कहाँ से है आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। एक दो अल्फाज में बताओ, 20 दिन का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आ सकता है। कैसा ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग वगैरह बढ़िया है। जो सोच के आए थे मिला? जी सर। एक बार इनके लिए 2000 के आप कर दो। प्रमोद आ जाओ भाई, क्लैप्स इनके लिए भाई। मैं तो कर्नाटक से हूँ सर जी। मेरे को तो फर्स्ट 10 साल से दुकान रखे थे, ट्रेसिंग और क्या कैसा आईसी डालना वो सब क्या भी नहीं पता था मैं। हार्डवेयर में तो कुछ भी नहीं, वही आता था डिस्प्ले कॉम्बो सीसी गीसी वगैरह वो सब डालता था सर। इधर आए के बाद तुम्हारे थेरी डायग्राम कैसा ये करना, क्या पैरलर में कौन सा है वो सब कुछ भी नहीं पता था मेरे को। इधर आए बाद अभी तो पूरा परफेक्ट मालूम चला तुम्हारा थेरी और सागर सर का हैंड स्किल पंच और ट्रिबॉल वो तो अभी तो परफेक्ट करता हूँ मैं तो। डबल डेकर का हाँ, दो मोबाइल रेडी किया सर, डबल डेकर का दो हो गए। वाह, एक बार इनके लिए 2000। आपको रिवॉल्विंग में नहीं आता था, आप दो डबल डेकर बनाए बोल रहे हैं, कोई फेक बात है क्या भाई? मेहनत करा ना बंदा है तभी होता, और मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन आपको ट्रिक टेक्निक नहीं मालूम? क्या भी नहीं मालूम था सर पहले, इधर आने से पहले कुछ भी नहीं पाऊँ था। अभी तो हो गया। सॉफ्टवेयर का बोले तो सर तोफिक सर फ्लैश मारने वो तो आराम से कर सकते फ्लैश। मेरे को तो यही भी कुछ भी नहीं मालूम था सॉफ्टवेयर के, ऐसा करना वैसा करना पहलों का मालूम नहीं था। बर्निंग हाँ, UMT क्या है ना, कुछ भी नहीं मालूम था मेरे को। तोफिक सर भी रिकॉर्डिंग भी दे रहे होंगे आप? हाँ सर सॉफ्टवेयर का। हाँ दे रहे हैं, फाइल गिल सब दे रहे हैं सर, फाइल दे रहे हैं, टूल भी दिए होंगे चेंज का, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ದಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರ, ಏನು ಥಿಯರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕಲಿಸ್ತಾರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 101% ಅವರ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಒನ್ ಶಾಟ್ ರಿವಾಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್। मैं देखा था 2 साल से देखा था सर फेसबुक पे, जब से चाना आना बोल के मेरे को क्या हुई मैरिज गिरेज हो गया। अच्छा, इसलिए आने का सर, इसलिए थोड़ा लेट हो आने का। अभी पहले आया देश तो अभी थोड़ा अच्छा होता था, अभी आया ना परफेक्ट सीख गया। चलो जब भी जो होता अच्छे के लिए होता, सलमान खान के साथ। चलो थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशन क्लास भाई। थोड़ा माइक दे देना प्रदीप, प्रदीप के लिए 2000 क्लास। प्रदीप बताओ आप कहाँ से हैं, कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? कर्नाटक धारवाड़ से हूँ सर। कोई भी आ सकता है इधर, रिबॉलिंग बोर्नियो बाद में फॉल्ट फील्डिंग ट्रेसिंग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आधा नॉलेज लेके काम नहीं कर सकते, वो बोलते हैं हाफ नॉलेज मोस्ट डेंजर। बिल्कुल बहुत डेंजर, बहुत डेंजर, वैसा तो काम नहीं कर सकते। मैं भी वैसा ही था इधर आने के बाद में, सब काम कर अभी तो काम कर सकता हूँ सब कुछ। क्या बात है। और कैसा रहा 20 दिन का सफर? अच्छा रहा सर, बढ़िया। अच्छा रहा। कोई आना चाहे उनको क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी आना है तो बिल्कुल आ सकते हैं, फोन पिक्स हैदराबाद में ही आओ, कोई भी आना है तो इधर ही आओ। भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि आधा अधूरा नॉलेज जो रहता भाई वो काम बनने वाला भी ख़राब कर देते। प्रॉपर नॉलेज रही तो कहाँ पे क्या काम करना है यही तो सीखना रहता। तो आप सब लोग बोलते सीखो सीखो सीखो, लेकिन सीखो क्यों, रीज़न क्या है क्यों सीखना है? क्योंकि नॉलेज नहीं रख के आप दुकान में बैठे हैं, खाली बजर पे बजर बजा रहे हैं, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप रख लिए, कस्टमर समझ रहा बहुत बड़ा टेक्नीशियन है भाई, लेकिन हमको अंदर से मालूम रहता कितना काम कर सकते हैं कि कितना नहीं कर सकते।
तो नॉलेज अगर प्रॉपर रही तो आप सही जगह पे जाके चेक करते, नहीं तो प्रॉब्लम कहीं और है। आप हीट सीपी पे मार दे रहे, इम्यून सी पे मार दे रहे, तो बनने वाला सेट भी ख़राब हो जाता। और उसके बाद हमारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, मेरे पास नहीं बना तो पूरा मार्केट में किसी के ने भी नहीं बनना, ईएमसी डैमेज कर देते, सीपीयू डैमेज कर देते, बोर्ड बेंड कर देते, तो कस्टमर का नुकसान होता है ऐसे में। तो नॉलेज जितनी है उतना काम करना चाहिए, और नॉलेज नहीं है तो सीख लेना चाहिए। और क्योंकि सीखने में कोई शर्म नहीं है और इसमें कोई एज नहीं है, अपने पास देखो हर एक एज के बंदे आते हैं। पिछली बार हमारे पास 55-60 साल के भी आए थे और वो जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी चेन्नई या बेंगलुरु से कहीं से थे, उनका नाम भाषा भाई, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं रहती, सीखने के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए, सिर्फ सोच चाहिए आपको कि मैं अपडेट हो जाऊं ताकि मेरा बिजनेस आगे बढ़े, ऐसी सोच आना चाहिए, तभी कोई आप आ सकते हैं। और आप सब लोग ये सोच पहले आई आप सबको, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग 10-10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी तो आगे जाती है, हमारे लिए रुकती नहीं टेक्नोलॉजी, तो अपने को उसके साथ जाना पड़ता है। बोर्नियो देखो डेली खोलते हैं अपन, तो डेली अपडेट बताता हूँ, नोटिस करेंगे आप डेली अपडेट क्यों कर रहा है भाई उन्हें, क्योंकि नई चीज ऐड कर रहा है उसमें, तो हमको भी क्या चाहिए, नई चीज अपडेट होना है, नहीं तो फिर अपन भी मोटरोला नोकिया छोटे छोटे सड़ा पीछे चले गए ना, इंटेक्स लावा के वैसे पीछे चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, एक बार दो क्लास।